अगर समुद्रों की बात करें, उनमें मछलियों की अलग अलग कुल 2 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इन 2 लाख प्रजातियों में से हर प्रजाति की मछली के करीब जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ मछलियां इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि उनकी सिर्फ एक बाइट से ही आपकी मौत भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इस दुनिया की कुछ ऐसी ही जानलेवा और आदमखोर मछलियों के बारे में। द केंगरू। केंगरू मछली एक तरह की स्केल लेस मछली है जो सामान्य तौर पर अमेज़न नदी में पाई जाती है। इस मछली की सबसे रोचक बात तो ये है कि ये दूसरे जीवों के खून पर पलती है, यानी कि इसका प्रमुख भोजन खून है, जिस कारण ये छोटी सी मछली अपना ज्यादातर समय अन्य बड़ी मछलियों की गिल कैविटी में बिताती है, जहाँ ये गिल कैविटी के अंदर के खून को पीती रहती है। लेकिन ये बात इसे खतरनाक नहीं बनाती, क्योंकि इसे तो खतरनाक इसके द्वारा इंसानों पर किए गए हमले बनाते हैं, जो कि मौत में भी तब्दील हो सकते हैं। जब ये किसी इंसान के शरीर में दाखिल होती है, तब उसे अपने पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। साथ ही कभी कभी इसके काटने से हेमरेजेस का भी खतरा बढ़ जाता है, जो इंसान की मौत का कारण बन सकता है। बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश एक पारदर्शी और पेल ब्लू रंग की एक शानदार जीव है, जो कि समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है। लेकिन भले ही ये देखने में सुंदर क्यों ना लगती हो, पर आपका इसके करीब जाना किसी भी तरह की समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इसे समुद्र की सबसे जानलेवा मछली माना जाता है, जो पल भर में ही किसी भी जीव की जान ले सकती है। इसके शरीर में मौजूद जहर कितना घातक है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका थोड़ा सा जहर एक बार में करीब 60 लोगों तक की जान ले सकता है। आज बहुत से डाइवर्स इस जेलीफिश से दूर ही रहते हैं, क्योंकि इसके काटने से महज 5 मिनट के अंदर ही जान चली जाती है, क्योंकि जो जहर ये इंसानों के शरीर में छोड़ती है, वो सीधा हमारे शरीर की कार्डियक एक्टिविटी पर आघात करता है, जिससे सबसे पहले पीड़ित के शरीर का हार्ट रेट लो हो जाता है, साथ ही उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है, और उचित इलाज ना मिलने पर उस इंसान की मौत हो जाती है। द मोरे ईल। मोरे ईल को भी इस दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में गिना जाता है, क्योंकि ये अपने बड़े और नुकीले दांतों से बहुत ही तेजी से हमला करने में माहिर होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि अन्य खतरनाक मछलियों की तरह ये भी ज्यादा गहराई में रहती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकी ज्यादातर प्रजाति उथले पानी में रहना पसंद करती हैं, जहां ये रीफ्स और रॉक्स के बीच में छिपी रहती हैं। वैसे तो इनका आकार छोटा होता है, पर अगर हम बात इनके जबड़े की करें, तो वो तो इनके शरीर के मुकाबले काफी बड़ा होता है, जिसमें मौजूद नुकीले दांत किसी को भी गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होते हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। हालांकि ये इंसानों पर तब तक हमला नहीं करती जब तक कि इन्हें छेड़ा न जाए, इसलिए जब भी समुद्र में जाएं, तो इनसे बच कर रहें। स्टोनफिश। स्टोनफिश को समुद्र में रहने वाली सबसे खतरनाक मछलियों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है, जो किसी की भी जान ले सकती है। ये ना सिर्फ खतरनाक है, बल्कि छिपकर शिकार करने में भी माहिर है। वैसे तो ये रीफ्स और रॉक्स के बीच छिपकर रहती है, पर जब आप इन्हें खोजने जाएंगे, तो आपको ये आसानी से नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये छलावरण में बहुत ही माहिर होती है, जिस कारण इन्हें देख पाना बेहद मुश्किल होता है, और इनके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब ये पैर रखने की वजह से आपको काट लेगी। इसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके आपके शरीर में दाखिल होते ही आपको बेहद दर्द होगा, और कुछ ही समय में आप लकवे का शिकार हो जाएंगे, और तुरंत उपचार ना मिलने पर आपका हार्ट फेल भी हो सकता है। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि ये इंसानों पर हमला नहीं करती, क्योंकि ये अपने इस जहर का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करती है, पर फिर भी समुद्र में इनसे बचकर चलना ही फायदे का होगा। स्टिंगरेज। स्टिंगरेज समुद्र में रहने वाली कुछ चुनिंदा जहरीली मछलियों में शुमार है, जो कि अपने जहर से इंसान को भी मार सकती है। ऐसा माना जाता है कि स्टिंगरेज के काटने से ही दुनिया के जाने माने क्रोकोडाइल हंटर स्टीव इरविन की मौत हुई थी। इनका जहर बेहद खतरनाक होता है, जो कि आपको बेहद दर्द की अनुभूति करा सकता है, साथ ही किन्हीं मामलों में इनका ये जहर आपकी जान भी ले सकता है। खैर, इनसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके दिखने पर खुद को सतर्क करने की जरूरत है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये तब तक इंसानों पर हमला नहीं करती जब तक कि इन्हें ये ना लगे कि इंसान इन पर हमला कर रहा है। तो जब भी स्टिंगरेज दिखाई दे, तब उनसे पहले ही दूरी बना लेना उचित होगा। ग्रेट व्हाइट शार्क।
ग्रेट व्हाइट शार्क के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो कि 21 फीट लंबी और करीब 1800 किलोग्राम तक वजनी हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है ग्रेट व्हाइट शार्क को इस दुनिया की सबसे खतरनाक या कहें आदमखोर मछलियों में गिना जाता है? और वो इसलिए क्योंकि ये इंसानों तक को अपना शिकार बनाने से नहीं चूकती। दुनिया भर में रहने वाले गोताखोर जब भी समुद्र के अंदर जाते हैं तो उन्हें ग्रेट व्हाइट शार्क का डर सताता ही रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इसके चंगुल में फंस गए तब तो उनकी मौत पक्की है। लोगों में इसके भय का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हॉलीवुड में इसको लेकर बहुत सी मूवीज भी बन चुकी हैं, जिसमें इसके बेहद खतरनाक रूप को दिखाया गया है। पिराना मछली के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में गिनी जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके दांत बहुत ही ज्यादा नुकीले होते हैं, जो बड़े से बड़े जीव के मांस को भी आराम से काट सकते हैं। जब आप पिराना मछली को देखेंगे तब वो आकार में आपको अन्य किसी साधारण मछली की तरह ही लगेगी, पर अगर आप इसके छोटे आकार को देखकर इसके करीब जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये मछली अपने बेहद नुकीले दांतों से खुद की वजन से करीब 25 से 30 गुना ज्यादा ताकत से बाइट करती है, जिससे किसी के शरीर में भी गंभीर चोटें आ सकती हैं। अगर किसी नदी या तालाब में बहुत सारी पिराना मछली है तब आपको उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब ये झुंड में होती है तब ये केवल कुछ ही मिनटों में बड़े से बड़े शिकार को चट कर जाती है। अभी हाल ही में अमेज़न नदी के अंदर इन मछलियों द्वारा बहुत से लोगों के ऊपर हमले किए गए हैं, जो साबित करते हैं कि ये मौका लगने पर इंसानों को भी अपना शिकार बना सकती हैं। ग्लायथ टाइगर फिश को अफ्रीका की सबसे खतरनाक मछली माना जाता है, क्योंकि ये शिकार करने में माहिर होती है और उस जीव को खा सकती है जिसे ये पकड़ सके। अगर आप इस मछली को देखेंगे तब ये देखने में भले ही आपको किसी साधारण मछली की तरह लगेगी, पर सच्चाई तो यही है कि इनके मुंह के अंदर मौजूद नुकीले दांत किसी को भी डरा सकते हैं। ग्लायथ टाइगर फिश भी इंसानों पर हमला करने के लिए जानी जाती है, जिस कारण इन्हें अफ्रीका की पिराना भी कहा जाता है। इनका एक दांत कम से कम 1 इंच का होता है, जिसकी मदद से ये 40 से 50 किलोग्राम जितनी फोर्स से किसी को भी बाइट कर सकती हैं। साथ ही इनके पास एक एडवांटेज ये भी होता है कि अगर इनका दांत टूट भी जाए तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ ही समय में इनका टूटा हुआ दांत वापस निकल आता है, जिस वजह से कोई भी इनके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, ये था हमारा एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे किसी नए अपडेट को मिस ना कर जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा, नमस्कार।